एच नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमान। आज राजस्थान में सचिन पायलट के उस कदम की बात करेंगे जिसकी शंकाएं लगातार बतलाई जा रही है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर वाकई सचिन पायलट को लेकर के जो तमाम राजनीतिक दावे किए जा रहे हैं वो सफल नहीं होते हैं, तो आने वाले समय में सचिन पायलट के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और ये सारी बातें इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि उनके साथ इस वक्त जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक विधायक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर उन विधायकों के नामों की बात की जाए तो दिव्या मदेरना, अशोक चांद्रा, राजेंद्र गुड़ा जैसे विधायक जो कि एक बड़ा आप कह सकते हैं कि राजस्थान की सियासत में मकाम रखते हैं और उनके जो है हाथों में इस वक्त मंत्रालय भी है, और ऐसे में अशोक गहलोत के खिलाफ जाना ठीक चुनाव से पहले ये सचिन पायलट के लिए अच्छे कदम जरूर होंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने भी ये बात साफ तौर पर स्पष्ट तरीके से कह दी है कि अगर आने वाले समय में पार्टी हाईकमान के द्वारा या पार्टी अध्यक्ष के द्वारा कोई इस तरीके के नेतृत्व को बदलने के फैसले लिए जाते हैं तो ये पार्टी के लिए गलत बात होगी, और हो सकता है कि उस समय भी तमाम जो विधायक हैं वो उन विधायकों की तरफ इशारा कर रहे थे जो लगभग 92 विधायकों की संख्या थी जिन्होंने अशोक गहलोत के समर्थन में अपने इस्तीफे तक को सीपी जोशी के सामने रख दिया था। हालांकि ये मामला पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, तमाम विधायकों ने अपने इस्तीफे को वापस भी ले लिए हैं, लेकिन साथ ही एक बड़ी शर्त रखी है जिस शर्त की वजह से अब ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना था अभी भी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि विधायकों का समर्थन उनके साथ नजर नहीं आ रहा है, भले ही ताकत के बल पर या फिर किसी और वजह से। तमाम विधायक आप कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में अशोक गहलोत के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे हो सकता है कि तमाम मामला पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर भी आ सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर के अभी से निशाना साधना शुरू कर दिया है। राजस्थान बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया ने सीधे तौर पर गहलोत सरकार की नाकामी बताई है इसको, और जनता के लिए काम करने का जो समय नहीं है उनके पास इसको भी इस पूरे मुद्दे से जोड़ करके देखा जा रहा है। फिलहाल देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी कर पाती है या बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो जाएगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।